राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 56 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। युवाओं का कहना है कि राजस्थान सरकार हमें जल्द से जल्द नौकरी दे ताकि हम धरना समाप्त कर अपने घर को वापस जाएं। कार्यकारिणी हमारी पूर्ण जोर से सभी साथियों के लिए प्रयत्न कर रही है और पूरा हमें विश्वास है कि सरकार हमारे फेवर में निर्णय लेगी। हमें आज 56वां दिन हो गया है, यानी यहाँ जो भी ये साथी हैं यहाँ 56 दिन से लगातार बैठे हैं, तो उनकी यही उम्मीद है कि हम यहाँ से रोजगार ले ही जाएंगे। और सरकार से यही बार बार निवेदन कर रहे हैं और आचार संहिता से पहले हमारा हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे बारे में जरूर कुछ अच्छी न्यूज़ देगी, तो ही हम यहाँ से खड़े होंगे। नहीं तो मैडम, हम जैसे कुछ भी हो जाए चाहे हम यहाँ से रोजगार ले ही जाएंगे। तो जैसा कि अब और भी है अपने, अब कल नाइट को बरसात हुई थी इतनी, फिर भी साथी यहीं पंडाल में यहीं सोते हैं, तो अंदर से पानी भी टपकता है, देखो क्या हालत होगी। अब इनकी यानी घर वाले हमें फ़ोन भी कर रहे हैं बार बार, मेरे को खुद को पापा कह रहे हैं भाई आ जा, पर अब मैडम जाएं तो किस मुँह से जाएं भाई, हमें जब रोज़गार ही नहीं है तो हम रोज़गार लेके जाएं ना, बिना खाली हाथ किसको क्या मुँह दिखाएं। मेरे बच्चे हैं, परिवार है, पर मैं क्या उनको क्या कहूँ मैं। पर यही है, यही सबकी उम्मीद है भाई, घर परिवार सबके हैं, तो हमारा यही बार बार सरकार से निवेदन है कि हमें जल्द बाली का आदेश दो ताकि हम जो भी है सरकार की, हम सरकार के साथ में हैं, ना कि हम कोई, पहले हमने जो कांग्रेस सरकार थी तो हमने जो सरकार ने निर्देश दिया तो हमने वो काम किया, तो हम अब ये सरकार है तो हम, जैसा कि भारत संकल्प यात्रा में हमारे साथ ड्यूटी भी थी और हम काम भी कर रहे थे, तो अब यही है भी हमें भाई जो भी आपके कोई मंशा है तो हमें काम दो भाई, आप देखो हमें, अगर कोई ऐसा साथी है जो काम नहीं कर रहा तो उसे आप करो जैसे करना है, पर हमें रोजगार तो दो। आचार संहिता लागू होने से पहले युवाओं ने सरकार से विनम्र अपील की है कि उन्हें रोजगार दिया जाए।